बात है कि अय्याम अज़ा में जो है वे चलो मनाती हुआ
सूरजों के दरमियान रखा हुआ मामूली सा दिया महसूस कर रहा हूँ। अलबत्ता ज़ाकिर हुसैन की हैसियत से मुखातिब हूँ, इसलिए रोशन हूँ जल नहीं रहा हूँ। अगर सलवात बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो कोई किया जा रहा है कि इंसान का जिस्म दुरुस्त रहे, लेकिन मेरे अजीजों इंसान
वो भी साथ लेके आया है। अभी तक जो है वो किसी फार्मेसी ने ये दावा नहीं किया कि हमारे पास जो है वो एक ऐसा माजून है कि जिसे खाने के बाद इंसान अगर बही है तो वो सही हो जाएगा। अजीब एक मखमसा, लेकिन सबकी कोशिश जितने भी सालिम सरदार रहे हैं वो यही
मौत जो लोग की सब बेदा रब्बा की सब बेदा और क्या क्या बिल्कुल अजंता औरा की गुफाएं कि अगर इस रिमोट कंट्रोल की ये मेरी ये बनाई जाने लगे तो मेरे ख्याल से सदियां गुजर जाएंगी लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर बना नहीं सकते। लेकिन फिर कितने दिन तक ये तहजीब रही होगी और कितने दिन तक इनका दस्तूर रहा होगा और कितने दिन तक ये हुकूमतें रही होंगी इन्होंने अपना कल्चर भी छोड़ा होगा अपनी तहजीब भी छोड़ी होगी। मुगल सम्राट आए उन्होंने अपनी तहजीब छोड़ी शक और साल हुकूमत की तुगलक आए खिलजी आए सासानी आए तातारी आए सैकड़ों साल हुकूमत की अपने कल्चर छोड़े सब चीज छोड़ी तहजीबें छोड़ी मगर ये हुकूमतें भी खत्म ये तहजीबें भी खत्म। मगर कमाल की बात है कि एक बस्ती दो मुहर्रम को बसी और दस को उजड़ी इस बस्ती की आठ दिन की तहजीब ने आर्मी को परेशान Oh,
किताब मेरे पास मौजूद है, वरना किताब मौजूद है, तस्वीर की जगह बात खबर नहीं की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, मेरा जो बयान करने का की वजह यह है, तमाम अखबार सुनाने की वजह वो ये कि देखिए ये इतनी अहमियत इस मजलिस को क्यों दी गई है। वजह क्या है कि एक फर्श बिछाया, बैठने वाला मिंबर पे गया और मिंबर पे जाने के बाद उसने चंद कलमात जो है वो हुसैन मजलूम अलैहि सलाम की मुसीबत में कहे, लोगों की आंख जो है वो अश्कबार हुई और इस पे इतना बड़ा सवाब कि लिखने वालों के कलम थक जाए, शुमार करने वाले जो है वो शुमार न कर सके, चाहे मलाइका ही क्यों ना हो। तो वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है, ये क्या सबब? देखिए इंसान का तवज्जो, इंसान का इंसान पे सबसे बड़ा जुल्म क्या है, इंसान का इंसान पे सबसे बड़ा जुल्म यह है कि कोई उसका घर तारुफ कराए। क्या पॉलिटिकल
की तरफदारी पे, हुसैन की तरफदारी एक ऐसा एजाज है, एक ऐसा मेडल है कि जो जिंदगी में कभी किसी को रुसवा नहीं होने दे सकते। और हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम की मुखालफत से बड़ी ज़लालत कोई नहीं। दुनिया की हर कौम ने माना है हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम। हुसैन तो कहते ही उसे हैं कि जो मजहबी अकीदों की जंजीरें तोड़ने के बाद दिल में आके दस्तक दे के मैं हुसैन हूं। लेकिन ये आंसू
आंख में रोक न सके। बेशक तो अब नतीजा क्या निकला किला, अगर तारीख का मुहासबा करें तो ये आंसू यहां से लेके यहां तक जो आता है इसे जाहिरी आंखों से ना देखना, तो पानी दिखाई देगा क्या क्या, लेकिन अगर इसे निगाहें बसीरत से दिल की आंखों से देखा तो ये आंसू आंख से जब चलता है उस सारे पे आता है तो बस ये समझ लेगा कि ये बनी उमैया की हुकूमत पर रहा हुआ है, बल हुसैन
بتوفیق زیارت تقدرے ہوئی پروردگار کائنات کی ہر اچھائی سمیٹ کے کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور حسین کی قبر کی زیارت کی توفیق دیتا ہے۔ بڑی منزل ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ اگر بانی مجلس اشتہار میں یہ لکھے کہ میری والدہ کی یا میرے والد کی ایصال ثواب کے لیے نان گوشت کھلایا جا رہا ہے آپ تشریف لائیے، ایک نیاز غیرت دار تو نیاز لیکن یہ مجلس ادائے امام حسین ہی کا تو اعلان ہے جس پہ دوڑ کے آیا جاتا ہے۔ حسین علیہ السلام کی محبت جو ہے نا یہ ایسا کیمیا ہے کہ جس کے دل میں یہ محبت ہوتی ہے اس سرور کو وہی محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ چیزوں ہندوستان میں ہر قوم کا کیا ہوتا ہے جہاں سے میں پڑھ کے آ رہا ہوں شب عاشور ہوں اور اتنے اہل حرمون ہیں جو تازیہ لے جاتے ہیں اور ایک جگہ تو ایسی ہے کہ جناب علی اصغر کے جھولے کے سامنے لا کے دودھ اڑے دیا ہوتے سننے میں آ رہا ہے بچہ لے وہ تین دن کا ہیومن رائٹ کے نام پہ مانو ادھیکار کے نام پہ جو ہے وہ چندے جمع ہو رہے ہیں بہت اور ان سے جو ہے وہ انسانیت کشی کی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم انسانی حقوق کا مانو ادھیکار کا ترجمہ کرنے کا حق صرف اسے حاصل ہے جس کے دل میں حسین بستا ہو۔ دنیا ہم سے بہترین ہیومن رائٹ کا ترجمہ کرنے والا دنیا نہیں ہے کوئی۔ کسی کو اگر یقین نہ ہو کہ ارمین پہ جا کے دیکھے کربلا وہاں دیکھے کہ وہاں کس طرح جو ہے وہ خدمت کی جاتی ہے زائرین کی، کس طرح جو یہاں کے بڑے بڑے مالدار اور متمول لوگ ہیں جن کے نوکروں کے برابر میں کھڑے نہ ہو سکیں، ایسے ایسے لوگ جو ہے کس طرح ادھر سے گزرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیے انسان کی فطرت ہے کہ جہاں آپ جائیں
हो।